guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I'm Prajakta. Welcome back to another Real Talk Tuesday video. Now, agar aapne pata nahi notice kara ya nahi kara, but I am not shooting in my office or in my studio. I have borrowed someone's space. So here's presenting the very, very generous chef, Mr. Shri Mr. Saransh. Goela. Hi, Prajakta. Hello. It's very important. Now, duniya jaanti hai ki Saransh is a professional chef. That this is what he does for a living. So obviously he knows what he's doing. I am not. मेरे अंदर का chef सिर्फ रात के 3:15 बजे निकलता है बहुत सारे videos देखने के बाद. इसलिए मैंने इन professional chef को challenge किया. Oh wow. To a cook-off. So, Prajakta, let me get this right. आप मेरी किचन में आई हैं और आपने मुझे ही चैलेंज फेंका है एक कुक ऑफ का. जी ठीक है. So the challenge is कि मैं अपने मम्मा के हाथ का बना कुछ ले आई हूँ. तो मैं भी अपनी मम्मा के हाथ का बना हुआ कुछ लेके आया हूँ. मेरे पास प्रॉन्स है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास कोकी है. कोकी क्या होता है? So the challenge is that both of us are going to taste these dishes. उसके बाद आपने इसको बनाना है, मैंने इसको बनाना है. But I'll give you the ingredients, but you don't get the method. Oh, yeah. Recipe नहीं मिलेगी. तो आपको भी फिर सिर्फ मैं ingredients दूंगा, recipe नहीं दूंगा. कोकी बनाने की. Fine. So your mom make these prawns, ना? Your so favorite. So this is mama, my favorite dish of mama, and this is like the soul food, like ये and bhakri. खुशबू तो बड़ी अच्छी है. Ready? Well, that might be a little spicy. Mama makes spicy food. 1, 2, 3, go. My very unequipped mind is trying to find ingredient. Spicy. But onion, tomato ka masala hai. Prawns sweet hai. The spice. But isme kuch ek alag kisam ka masala hai jo mereko samajh nahi aa raha. मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा. आई फील लाइक द टेस्ट करते करते खत्म हो जाएंगे तीनों. सो ये काफी कोकी टाइप है. नाइस. कोकी क्या होता है प्रोजेक्ट का ये? ओहो, चैलेंज से पहले पसीने छूट रहे हैं प्रोफेशनल शेफ के. ओहो, वेरी बैड. किचन है, गर्मी होती है. हाँ जी हाँ. आई लाइक दैट कोकी और प्रॉन्स दोनों काफी इंक्लूसिव हैं. एंड इन 2019 दैट्स व्हाट वी नीड इंक्लूसिवनेस. Collab. We need collab. Chalo, great. So आगे आप जो देखने वाले can be a possible defeat of Mr. Saransh Goela here. Possible. 99% chance है कि मैं जीतूंगा, 1% chance है कि शायद हार जाऊंगा. सुनो, over confidence ना किसी के कभी काम नहीं आता. ये बात भी ठीक है. So Prajakta, it's time for you to get me your ingredients and for me to get you your ingredients. Fine. Yeah. You're also fine. 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 Okay. So, अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं जिसमें सारांश के इंग्रेडिएंट्स और मेरे दोनों सारे मिक्स्ड हैं। एक बात है, मैंने जो प्रॉन्स चखे थे उसमें एक ऐसा मसाला था जो यहाँ पे नहीं है. आई एम वेरी श्योर, मतलब सिर्फ जीरा से और इससे तो नहीं होएगा. हाँ हाँ. ओह ग्रेट. सो दिस इज स्पेशल मसाला जो पूरे मार्केट में से एक कोई सी दुकान है. देयर इज दिस मार्केट व्हिच इज वेरी फेमस इन थाने कॉल्ड जामड़ी नाका. जामुड़ी नाका में एक कोई अंदर 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 जाके, मतलब वहां पहुंचते पहुंचते 16 बार तुम छींक जाओगे. तो ये जो स्पाइसीनेस है वो यहाँ से आ रही है. Cool. तो एक काम करते हैं, जरा चैलेंज शुरू कर देते हैं. लेट्स गो. सो आई थिंक ओके, आई टेल यू व्हाट आई थिंक. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मिक्स करके इसमें डाल के इसका आटा बना के फिर वैसे करके वो करना है. ऑल द बेस्ट. लिसन, आई हैव टू चॉप दिस रियली फाइन, राइट? हाँ, मतलब ये जो प्याज है, आई एम नॉट गोना टेल यू कि कहाँ पे गया था, बट इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली कि कोकी के जो प्याज था वो कोकी के अंदर था. हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, इसका तो आटा, ये तो आटे में जाएगा. करेक्ट. सो इट हैज़ टू बी रियली फाइन. तो तुम्हारे जो चॉपिंग स्किल्स हैं ये काम नहीं आएंगे. प्रोजेक्टा, हाँ जी, यू गेट बोनस पॉइंट्स. हाँ, इफ़ यू डू व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट. देखना चाहोगी मैं क्या करने वाला हूँ? आई हैव अ स्मॉल ट्रिक, बट आई एम गोना डू दिस विद माई आईज शट. Really? मैं आंखें बंद, पता कितने कांदा काटना पड़ता है शेफ बनने के लिए और आंखों में से पानी भी नहीं निकलता फिर. Perfect. तो Here's a fun tip. आंखें बंद करो और स्लाइस करते जाओ. Kids, do not try this at home, please. How much do I need? Is this much okay for one cookie? हाँ हाँ, बहुत है. दो cookie बन जाएंगे. हाँ, okay, perfect. One for me, one for you. Perfect.
two cookies are. And if it's not that yummy, then both for you. Now I think I should put this in the dough. Okay. Like I should get dough, nahin, flour. Ha, okay. No laughing. You're not allowed to laugh. Whew. Oh thoda wow. Debacle ho gaya yahan pe. I can see your favorite style of chopping is this. It's what I've seen on TV. पहले एक चीज को आधा काटो, फिर उसको पूरा काटो. Pay attention. उसकी एक टिक एक एक चीज तुमने बस गलत देखी है. अच्छा दूसरी तरफ से उठा दे. Sorry. वरना क्या होएगा? हाथ कट जाएगा. Okay, अब मैं इसमें डालना चाहूंगी एक स्पून. आपने क्या क्या डाला? ग्रीन चिली डाली. ग्रीन चिली और अनियन. और अनियन डाला. So, Prajakta, I see you are running on schedule. मेरा आखिरी टमाटर है. Oh, by the way, if you're cutting tomato and आप कोली डिश बना रहे हो, let me teach you how to say tomato in Kohli language. Tomato in Kohli language. The spelling is the same. But tomater. You know how to say it? नहीं. You say tambata. Tambata. आज हम बना रहे हैं tambata prawns. Tambata prawns. So, I've got jeera, anardana, mirch and onion and I'm going to put ginger garlic. Okay. Lekin I might think about it. Ye to definitely tha. Uska rang thoda sa thoda bahut. Acha socho hypothetically life mein agar kabhi aapko aise matlab parathe ke family mein banana hai kisi sindhi ghar mein kuch कोई सिंधी घर है जिसके यहाँ पराठे नहीं बनते हैं तो जो सिंधियों के जहाँ पे बनता है हाँ. तो क्या आप उसमें जिंजर गार्लिक डालते? नहीं. ओके. सो फनी लगता है ये सब गेम्स जो है ना. कोई नहीं, इट्स ओके. मेरा भी टाइम आएगा. मेरा टाइम आएगा. क्या मैंने कभी आपको मेरी स्पेशलिटी बताई है? माय स्पेशलिटी इज ईटिंग फूड. ओह वाओ, लस्सन का खूब सारा. ये करना मुझे बिल्कुल नहीं आता. जीरा पाउडर, अनारदाना, कोरिएंडर, ओह नमक. हाय हाय कितना डाला, मेरे ध्यान ही नहीं है. जितना भी. We're just gonna wing it, guys. It's all about winging it. यार मेरे को वो नहीं गूंदना नहीं आता आटा. आटा गूंदना नहीं आता? नहीं. Okay, I'm going in, guys. I'm going in. Ooh. Slimy. क्या प्रोजेक्टा कुकी बना पाएंगे? देखिए. बना तो लेंगी बट वो कैसे बनेगी दैट वी डोंट नो येट. है है, बड़ा ही बुरा होगा ना अगर कोई आपके किचन में आके आपको हरा दे. हाँ बहुत ही बुरा होगा. लिसन दिस इज नॉट अ बैड डो, इट एक्चुअली कमिंग टुगेदर. सी नॉट बैड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड प्रोजेक्ट. इट्स नॉट बैड, वाइफ मी गाइस. सो व्हाइल यू आर मेकिंग योर डो प्रोजेक्ट, मम्मा ने मुझे बताया था कि डो में थोड़ा सा घी या ऑयल डालना होता है. मोइन है? क्या? मोइन बोलते हैं इसको. मोइन मतलब जो घी आप आटे में डाल दें. हाँ. वो किस लिए होता है? पराठे को या रोटी पराठे को खस्ता बनाने के लिए. तो हम इसको खस्ता नहीं बना रहे हैं? हमने जो खाया था खस्ता था. खस्ता क्या होता है? क्रिस्पी. क्रिस्पी. हाँ तो फिर डालना चाहिए ना. प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर. हाय प्रजक्ता'स मॉम, होपफुली आई एम डूइंग वेल हियर. आंटी मैं ये चैलेंज हार नहीं सकता, होपफुली आपने ऐसी बनाई होगी. ओहो हो. डज योर मदर डू दिस? नो शी डजंट. नाउ साज इज जस्ट शोइंग ऑफ. देखो मैं आंख बंद करके काट सकता हूँ. ये देखो ये मेरे को ये आता है. सारांश इज मम्मा, प्लीज बी प्राउड ऑफ मी. मेरी जो मॉम है ना, उन्होंने बचपन से मेरे को हमेशा हेल्प की है शेफ बनने में. शी इज ऑलवेज टॉट मी कि बेटा खाना. व्हाट इज द फर्स्ट डिश शी टॉट यू टू मेक? मेरे को सबसे पहले उन्होंने बनाना सिखाया था जलेबी. है? सबसे पहली डिश 13 साल के थे? कितने साल के थे? 13 साल. जब जलेबी बनाना सीख लिया था. और पराठे. ओ भाई साहब. एंड यू विल नॉट बिलीव इट प्रोजेक्टा, मेरी पहली जलेबी जो बनी थी एकदम राउंड, मतलब अच्छे अच्छे हलवाई पीछे रह गए. खस्ता थी? खस्ता भी थी. चलो फिर तो सही है. बट अब भी मेरे को जलेबी बनाने के लिए बोलोगी तो मैं सोचूंगा अभी शेफ की तरह. ग्रेट. सुनो क्या ये बन गया है? लेट्स गो. ओह हेलो प्रजक्ता, तुम उससे रोल कर लोगी? वो तुम्हारे हाथ में जो क्या है, मॉडर्न बेलन. हम इससे बाइसेप, हम उसको बाइसेप्स कर्ल कर. ओए ओए ओए, ये तो रखने से ही हो. ओए
Okay. That's not bad. Oh. मेरे को लग रहा है प्राजक्ता तुम कोक की जगह खिचड़ी बनाने वाली हो but excuse me what do you mean ओय ओय ओह हो लो गया सो प्राजक्ता अब तुम अपने रिज्यूमे में डाल सकती हो ट्रेंड अंडर सारांश गोयला अब तो कोई भी कमी नहीं रही मेरे में अब तो परफेक्ट ही हो गया मतलब सब कुछ हाँ काफी मेहनत वाली रेसिपी दी है प्रोजेक्टा की मॉम ने पर अब टाइम आ गया है मेरा अनियन टमेटो मसाला पक गया है दिस डो हैज बीन बैड तो लगभग सारांश इज गिविंग मी फुल सासुमा लुक ना कि देखना इसकी रोटी कितनी गोल बनती है ये थोड़ा कोकी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है बाय द वे हां जी उसको बेलना ये लो ऐसे बनाते हैं और सीखो मैं क्या कह रही हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके अंदर बहुत कम नमक डाला हुआ है क्या उसका इलाज हो सकता है प्यारे और प्याज कैसे काटते हैं और इसको फेटते कैसे हैं सारा काम मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करूंगी ना तुम्हारे हाथ से खाऊंगी मैं एक बार उल्लू बना दो बार उल्लू नहीं बनूंगा वो पहला वाला तो यार सारांश व्हाट चलो प्रोजेक्ट तुम्हारा क्योंकि कोकी मुझे ऐसा लग रहा है कि पकाने का टाइम आ गया है यस मैं शिफ्ट हो जाता हूँ साथ वाली गैस पे ओके तो आपका टाइम आ गया है कि आप यहाँ पे अपनी कोकी चालू हां आई एम गोना गो इन विद द फर्स्ट कोकी ओह वाओ फर्स्ट कोकी मुझे ऐसा लगता है कि घी पलटने के बाद लगाते हैं ऐसा लगता है अब ये तो कोकी खाने के बाद हमें पता चलेगा तो क्या मैं डाल दूं अगर चिपक गई तो ऑमलेट ओ स्क्रैम्बल्ड कोकी बना देंगे प्लीज सी वॉच एंड लर्न ओह यस ओह दैट लुक्स गुड वी आर हेडिंग देयर नो टू क्विक तो गैस कम कर दो आई थिंक माय कोकी इज गोना बी रादर अग्ली प्रजक्ता के मॉमी की स्पेशल रेसिपी वाले प्रॉन्स ऑलमोस्ट तैयार हैं जी हाँ जी इसका क्या हो रहा है व्हाई इज इट नॉट कुकिंग डू वी नीड टू इंक्रीज दिस डोंट लाफ एट मी सांज इफ यू लाफ एट मी आई स्वेयर टू गॉड अरे पराठा पक क्यों नहीं रहा है रंग क्यों नहीं आ रहा है क्यों नहीं पक रहा है पराठे को सिर्फ पुचकारेंगे तो पराठा पकेगा पराठा पक जा मेरी डिश मेरा चैलेंज वाली डिश तैयार है धनिया गार्निश में था तो मैं धनिया गार्निश में मार रहा oh, मुझे लगता है I went easy with Saransh. अब देखिए मैं खाली बैठा हूँ तो आई एम गोइंग टू ऐड कंट्रीब्यूट खूब सारा घी बस लुकिंग वेरी प्रिटी जस्ट लाइक मी कमाल ही कर दिया जी प्राजक्ता ने देखी उसकी कोकी कैसी दिख रही है कमाल है ओह अगेन अगेन मुझे पता है कि ये सिंधियों को पंजाबियों को बहुत पसंद आएगा आई एम गोना ऐड अ स्पेशल टच दैट आई नो अ लॉट ऑफ पंजाबीज नाउ लेट्स शो बोथ आवर डिशेस यस तो गाइस चैलेंज जो है खत्म हो चुका है लिसन गुड जॉब राजेश आई थिंक ये मानना पड़ेगा फेयर कंपटीशन रहा फेयर कंपटीशन एंड जिस कॉन्फिडेंस तो मेरी किचन में आई थी तुमने ऐसा कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं करी नहीं करी सो गाइस टाइम आ गया है ये डिसाइड करने का कि आज का चैलेंज कौन जीतने वाला है आई थिंक प्रोजेक्ट तुम्हारी कुकी भी गर्मा गर्म है सो वी शुड गो फर्स्ट सो यस ओके सो योर टर्न दिस इज द ओरिजिनल वन आई नो बिल्कुल बताना मुश्किल है हाँ बिल्कुल कि कौन सी है रंग बिल्कुल वैसा है पर शेप इसकी थोड़ी सी शेप माफ की जा सकती है कर सकते हैं मतलब कोकी की जगह इसका नाम रख सकते हैं नोकी और ओकी और ओकी ओकी तुम भी खा के देखना चाहोगी अपनी कोकी आई मेड कोकी फॉर द फर्स्ट टाइम ये नमक वेरी कम ए ए दैट्स नॉट बैड जज कौन है ये यू जज दिस व्हाट डू यू थिंक ओह माय गॉड प्रोजेक्टर तुमने एकदम मेरी बॉम की जैसी कोकी जो है बनाई है और ये मैं आउट ऑफ 10 आई वुड एक्चुअली गिव यू 8
Really? It's very good. प्रॉन्स थोड़े बड़े हैं यहाँ पे, वो छोटे हैं, वो तो फर्क है। बात नहीं, वो तो ठीक है, साइज पे कोई वो नहीं है। That is a oh my god, that is a lot like mamas. Oh, this is yum. I give you 9 on 10. Because 1 mark for namak. पर अगर तुम एक प्रोफेशनल से पूछोगे तो वो तुम्हें बताएगा कि प्रोफेशनल से ही पूछा है मैंने। ये जो मेरी एबिलिटी को बार बार डाउट किया जाता है ना इस किचन के अंदर, आई डोंट नो हाउ मच आई लाइक दैट। हु इज द विनर देन? यू, क्योंकि किचन तुम्हारा है लेकिन चैनल मेरा। ओके गाइस, अब आप प्रजक्ता के चैनल पे हैं, बहुत सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनके 8 नंबर है, मेरे 9 नंबर है, आके हमें फॉलो कीजिए। So this was a fun video in collaboration with Saransh Goela. Make sure you follow him. I'm going to put his handle, I'm going to put his channel in the description. Please subscribe karo, show him all the Dum Dum love. We need to show him how strong the Dum Dum army is. If you like this video, make sure you make the koki at home. And the prawns. And give this video a big fat thumbs up, batao yaar. Because I made ek video kiya tha jahan pe maine momos banaye the. Oh. हाँ, तुमने बनाए थे मोमोज। Yes, और वो सबको बहुत पसंद आई थी, which is why when I saw Saransh studio, मैंने कहा, let's do it, let's make a video, and we made koki and prawns. अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुकिंग करूं, और koki बनाऊं, तो prawns के साथ खाऊं। Let us know in the comment section below. I'm gonna go, guys. I'll see you again on Thursday. Until we meet. Bye, guys. नहीं, वो नहीं बोलते हम. क्या बोलते हैं? हाँ, okay. Until we meet. Love, love! Yeah!